लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है, और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और ज़रूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का। जिसको अपनी बात कहनी है, एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। हमारी कभी इच्छा नहीं रही है कि वो लेट घोषित करें। हम तो चाहते हैं कि मैदान है, खुला मैदान, लड़ाई तभी अच्छी लगती है जब सामने कोई ना कोई मैदान में आए। अगर वो मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कमजोरी ये प्रदर्शित हो रही है, जनता में इसका संदेश भी जा रहा है। और जब सामने कोई कमज़ोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमज़ोर होती है उसको नुकसान होता है, और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनका लाभ उसका होता ही है। हाँ, कुछ होछी हरकतें हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस के लोग उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़मीन पर तो कुछ है नहीं, होछी बातें उछालने से और शायद उनको लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से एक बहुत अच्छी हरकत जो की जा रही है और उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है, कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है। हमने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं सब विनिंग प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जिनका एक मधुर संबंध है उस नाते से किए हैं, और सब ने अपने अभियान को शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद आज जो जनता से हमको माहौल मिल रहा है उस माहौल में कुल मिलाकर के जनता की ओर से आश्वासन है कि सब 10 की 10 सीटें हम अच्छे बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं। किसी भी सीट पर कोई समस्या कठिनाई हमारी नहीं है, इसलिए ये जो भ्रामक प्रचार है उससे जनता भी सावधान रहे और जिन्होंने फैलाने की कोशिश की है वो भी याद रखें कि उनको इसके लाभ के बजाय उनको नुकसान ज़्यादा होने वाला है। कि कोई अगर किसी को कुछ करना है तो पार्टी अपने आप करेगी, दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते, लेकिन हम नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या जरूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं इनको उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, अगर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। ओछी मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है, खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से कितना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये उनको पता नहीं है। महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को हम सब देखते हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं, और महिला के बारे में इस प्रकार टिप्पणी अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जनता जरूर सबक सिखाएगी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।